अभी मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेब मीटिंग्स, जिसके साथ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स करते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो चीज़ के बारे में हम समरी बात करने जाने वाले हैं। हम सिर्फ एक ही किसी ऐप को पकड़ के बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अभी इस समय जूम बहुत ही फेमस हुआ, जूम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्लासेस हुए, बहुत सारे लोगों ने वेबिनार किया। लॉकडाउन में करेंगे क्या, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो टॉप प्लेटफॉर्म सर्च किए जो अच्छा लगा, जिस पे यूज टू थे लोगों ने यूज़ किया। पर रिसेंटली न्यूज़ आई कि लोगों ने बोला कि जूम ये है, इसमें ये प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली है। तो हमारा काम है सुनना और उसके ऊपर विचार भी करना, हमारा ही काम है। वो कितना सही है न्यूज़ वो भी हमारा ही काम है। तो मैं अभी गलत सही के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं ये बात करूँगा कि अगर ऐसा क्या है उसमें जो उसको गलत ठहराया जा रहा है, या वो चीज़ के बारे में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और दूसरे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो कितने हद तक सही है। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा एक व्हाट्सएप की बात करता हूँ। कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप के बारे में भी बीच में ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम्स है, लोग हमारे डेटा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर उसमें एक ऑप्शन आने लगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आप देखेंगे वर्ड आता है इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड, मतलब कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके पास पहुंची विथ कोडिंग। इनक्रिप्ट मतलब कोडिंग होके आपके पास जा रही है, और आपने जो मुझे भेजा मेरे तक पहुंचा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो मतलब वो कोडिंग होके आपसे और मेरे बीच में आ रही है इन्फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, कि जैसे ये देखा कि आपने व्हाट्सएप ओपन किया, तो व्हाट्सएप ओपन करते ही देखोगे तो जैसे ही किसी को मैसेज करने जाते हो, तो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो या उसको हिस्ट्री उनकी क्लियर कर दो, तो वहाँ पे आपको एकदम सबसे टॉप में लिखा हुआ आता है चैट जो है बहुत सिक्योर है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे और आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेट हो रही है, बीच में कोई और हमारा मतलब इनक्रिप्ट लिखा हुआ आता है, मतलब कि हमारे और आपके बीच में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कोड भाषा में जाती जाती है। तो अभी मैं अगर हम लोग व्हाट्सएप में अगर वो चीज़ आ रही है तो हम उसके ऊपर इतना रिलायबल है, एवरीथिंग सब कुछ हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, हम लव हर चीज़ बात करते हैं, लाइक फ्रेंड के साथ वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ तक कि सीक्रेट बातें भी हम व्हाट्सएप के थ्रू बातें कर लेते हैं, मैसेजेस करते हैं, पासवर्ड भेजते हैं, तो तभी तो हम नहीं रहते हैं। तो वैसी चीज हम मैंने फिर चेक किया, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने चेक किया, तो लोगों ने बोला कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा मैंने जिसमें बोला गया था कि ये ऐप यूज करो, इसमें ये इनक्रिप्टेड का ऑप्शन है, ये इनक्रिप्ट होकर डेटा जाता है। मैंने बोला ओके, तो फिर मैंने जूम में भी चेक किया, तो सारे प्लेटफॉर्म में चेक किया तो वो चीज़ें थी। मैंने व्हाट्सएप में चेक किया इनक्रिप्टेड, उसका डिटेल खोला तो वेब पेज खोला जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बताया था, तो सेम चीज़ मैंने जूम में भी देखा, तो अभी वहाँ पे भी वो ऑप्शन दिखने लगा है, वहाँ पे भी वो लिखा हुआ आता है इनक्रिप्टेड, हमारा टू एंड मतलब हमारे और आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन उसमें भी आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो डॉक्यूमेंट आया था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है 16 पेज, तो ये मैं आपको दिखाया देखा, तो ये 16 पेज में से आप देखिए कि ये 16 पेज का डॉक्यूमेंट्री आया, पर इन्होंने कहीं पे भी लिखा है कि जूम मत यूज करो, नहीं, उन्होंने बोला कि ये सिक्योरिटी है, ये ऑप्शन है, आप ध्यान रखो, उस चीज को फॉलो करो और देखो कि वो चीज करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया जूम, किसी ने बोल दिया हैंगआउट, किसी ने बोल दिया ये स्काइप, किसी ने बोल दिया ये, तो बहुत सारे ऐप्स का नाम दे दिया और आपने बस इंस्टॉल किया, देखा कि ये है, इसमें ऑन होता है, ऑन किया और चालू हो गए। अरे बाबा, हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बैकएंड डेटा होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स होती है, हमें जाके देखना पड़ता है और वो सेटिंग्स जाके हमें चेंज करनी पड़ती है। तो हम अगर वो चीज की जानकारी है नहीं है तो सीखो, इंटरनेट आज के डेट में क्या नहीं मिलता है इंटरनेट पे, और आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ डाउट्स था और कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज के थ्रू आपको शायद वो क्लियर हो जाए, तो कुछ ना कुछ था और मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। ऐसे ही हजारों लाखों लोग एवरीडे नॉन इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो इसको सुनो, समझो, अप्लाई करो। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो जूम के बारे में जो चीज सिक्योरिटी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ है उसकी सारी सेटिंग्स आप अप्लाई करो, यूज करो, पासवर्ड्स रखो, हर बार नया लिंक रखो, कोई भी सेम आईडी देके यूजर मत बनाओ। तो जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग तो यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
मेन उद्देश्य कि हमारा जो है जो सेटिंग्स है जो हमें बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमें फॉलो करना है सिंपल। और कोई नॉलेज बताता है कि ये चीज इसमें होनी चाहिए तो आप उस चीज को फॉलो करो ये इंपॉर्टेंट है। किसी का सुन के उसके ऊपर कमेंट करो वो सही नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं आपकी बात करूं तो ये इनक्रिप्टेड ऑप्शन जो है मैंने देखा कि फेसबुक में भी है, अपना व्हाट्सएप में भी, मैंने फिर और भी कुछ ऐप्स रिसर्च के जिसमें थे और अभी मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें भी ऑप्शन वो दिखा। तो अगर मैं सर्च करता हूँ इनक्रिप्ट व्हाट इज इनक्रिप्ट डेटा तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, ये बोलता है कि ये सिक्योर डेटा है। तो अगर अभी तक तो डेटा के बारे में सिक्योर का मतलब अगर यही अभी समझ में आया कि इनक्रिप्ट जो डेटा कोडिंग होके जाता है हमारे पास से और आपके पास से जो इनक्रिप्ट होता है वो जहाँ पे भी लिखा हुआ वो सिक्योर है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारी एप्स हैं, लोग बोल रहे हैं ये यूज करो रिकमेंड कर रहे हैं, पर वो चीज़ हमारे काम में तो आनी चाहिए। अभी तक बहुत अभी कुछ इंडिया एक ऐप लॉन्च हुआ जिसमें हमारे जो मैं करना चाहता हूँ जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी नीड पूरी नहीं हो रही है। तो जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जो जब उसमें सारे फीचर आ जाएंगे हम वो यूज करेंगे। हमारा उद्देश्य है हम लोगों तक नॉलेज पहुंचाएं और वो चीज में हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें हमारी नीड पूरी हो रही है हम यूज करते हैं। तो आज के डेट में जूम लोगों को मजा आ रहा है, डेमियो मजा आ रहा है, किसी को स्काइप मजा आ रहा है, किसी को हैंगआउट मजा आ रहा है, किसी को माइक्रोसॉफ्ट मीट मजा आ रहा है। तो एक बहुत सारे साइट से बहुत सारे सॉफ्टवेयर से लोगों को जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो कर रहे हैं, जिनका जिधर नीड पूरी हो रही है वो लोग यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर ये तो अभी इसके बारे में बोला जा रहा है तो कल के दूसरे ऐप के अगर वो ऐप अगर फेमस होता है या वो जब उभर के बाहर आएगा तो उसके बारे में भी लोग बोलेंगे। तो ये बोलना लोगों का काम है, पर आपको कितना समझ में आता है उसका क्या मीनिंग निकालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखा जाए तो अगर हम जूम के बारे में बात करते हैं तो जूम जहाँ तक मैं हम लोग देखें कि कई सालों से यूज कर रहे हैं। ये तो अभी लॉकडाउन हुआ तो लोगों इसके बारे में जूम 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 उन लोगों को तो ऐसा हर तरफ से मैसेज आता था जूम लिखा हुआ क्लास ज्वाइन करो, लोगों को पता चला। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि लोग फिजिकल 5 मिनट के लिए भी 5 किलोमीटर दूर जाके 5 मिनट के लिए भी मिलके आते थे तो उनको उससे मतलब नहीं था, फिजिकल जाने में मजा था। पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ लॉक लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। और जब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो उसके बारे में ये चीज मिल रही है, पहले देखो तो अपना इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो सारे इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, टाइप करो सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए एक वर्ड डालो हर हजारों इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इन्फॉर्मेशन तो सब कुछ गूगल पे नेट पे अवेलेबल है, कोई भी लेके जाएगा। तो हमारे साथ एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखें तो हम नेट बैंकिंग भी छोड़ देंगे। तो अगर हमें हर चीज का अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सिंपली जो चीज यूज कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लो, उसको थोड़ा टाइम दो, समझो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, यूज करो। मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेता हूँ, उसमें कुछ ऐप्स बताता हूँ, कुछ चीजें हैं तो मैं हर बार चेंज करते रहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले वंडरलिस्ट चल रहा था, वो अभी उन्होंने बंद किया, माइक्रोसॉफ्ट ने ओन कर लिया था, माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट हो गए। लेकिन उसमें कुछ फीचर्स थे जो उसमें नहीं आए, हमें तकलीफें आ रही है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम हर मोमेंट पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आती है, तो हमें जनरेशन के हिसाब से हर चीज के हिसाब से शिफ्ट होना पड़ता है और उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर ब्लाइंडली शिफ्ट नहीं होते हम, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं, यूजफुल है तो यूज करते हैं। लाइक उसमें सारे फीचर थे पर एक फीचर है जो नहीं मैच कर रहा है, लाइक कमेंट ऑप्शन नहीं आया पर बहुत लोगों को पता ही नहीं चला। पर हम तो एक ही चीज को समझ के चल रहे हैं तो हमें पता है, तो हम तो वेट कर रहे हैं कि कब उसमें वो फीचर आए माइक्रोसॉफ्ट टूल में। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो घंटों घंटों बात करते रहेंगे। एक्चुअली मैंने जूम का कैसे यूज करना, कैसे मीटिंग बनाना, क्या सिक्योरिटी ध्यान रखना, वो सब वीडियोज बना चुका था, पर मैंने उसको स्टॉप किया, अभी मैंने नहीं लॉन्च किया क्योंकि मैं मुझे पहले ये बताना था लोगों को कि उनको जो सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं। तो मैंने बोला कि मुझे जो जानकारी है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मुझे जो जानकारी थी, मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला था वो आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट, अगर आप लगता है ये कंटिन्यू करना है जूम के साथ, डेमियो के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो अगर जूम के साथ जा रहे हो तो जूम के वीडियोस के बारे में आप देख लो, सिक्योरिटी में क्या क्या ध्यान रखना है मैंने इसमें बताया है, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको डिटेल में समझाया हूँ।
जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली है जो ये सिक्योरिटी ध्यान रखना है, वो हमें नहीं बोली कि बंद कर दो जूम स्टॉप कर दो, हमें बताया कि ये सिक्योरिटी का ध्यान रखो आप यूज़ करो, तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये जूम ऐप को कंटिन्यू लेके आगे जा रहे हैं और इसमें एप्लीकेशन ये हैं। कल को अगर कोई और भी ऐप्स आएंगे जिसमें हमारे कोई भी और भी सॉफ्टवेयर्स आएंगे जिसमें हमारे काम चलेंगे, जो हमारे वर्कशॉप होते हैं, जो हमारी नीड पूरी होती है, तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत अभी हुआ है कुछ तो इंडियन ऐप आया है, इंडियन सॉफ्टवेयर आया है, तो वो जो इंडियन ऐप है हम उसको यूज़ करेंगे अगर हमारी नीड पूरी होती है। वो भी अभी वहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एरर आ सकते हैं सर्वर में, तो वो हम कैसे यूज़ करें, लोग रिकमेंड कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जब वो कम्प्लीटली फाइनली लॉन्च हो जाएगा उसमें क्या क्या फीचर है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर अच्छे से हमारे काम का है तो हम उसको यूज़ भी करेंगे। तो वैसे हमें जो चीज़ें अच्छी लगेंगी जिसमें हमारी नीड पूरी होती है वो चीज़ को हम कंटिन्यू आगे यूज़ करेंगे, और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।